इतना स्टॉक होगा क्या भैया किसी के पास? नहीं इतना स्टॉक नहीं इधर। भाइयों को जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है ब्लोरो डीआई डीआई डीआई, मतलब ज्यादातर भाड़ा वगैरह से बहुत ज्यादा चलती है। अडीरा का क्वालिटी दिखा दीजिए, मैं इस गाड़ी का आपको इंजन भी दिखलाता हूँ। इंजन आप लोग देख लीजिए क्योंकि इंजन हमेशा डिमांड करते और भाई देख बिल्कुल फ्रेश है ना, एकदम फ्रेश है भाई। खुद से चलिए, अगर आपको किसी भी तरह का मन में शंका है तो गाड़ी को अपने मैकेनिक से चेक करवा लीजिए। जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम लोग गाड़ी कैसे भेज देंगे आप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है विनोद और भाई आप देख रहे हो आप ही का चैनल विनोद के ब्लॉग। आज की अगर बात की जाए ना भाई गाड़ियों की, तो भाई मेला लगा दिए, वो भी कहाँ पे आप देख लो यहाँ पे, मतलब आज जो बोलते हैं ना भाई डीलरशिप आप लोग देख लो पोदार मोटर, और पोदार मोटर में भाई बोलेरो के देख लो भंडार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बाकी अंदर में है भाई। तो मतलब आज बोलते हैं कि एकदम धमाका होने वाली है, हर सेगमेंट की गाड़ी मिलने वाली है, हर तरह की गाड़ी मिलने वाली है। तो भाई चैनल पे अभी से ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए भाई होंगे। बाकी हम लोग दिखाते हैं कहाँ क्या है, एड्रेस वगैरह सारा कुछ देख लेंगे। बाकी भाई डी आई से लेके SLX XLE सारा कुछ हम लोग दिखाने वाले हैं, तो एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर देंगे। हम लोग शाही जी से मिलेंगे जो सारी गाड़ियों को जानकारी देंगे, और बाकी देख लेते हैं क्या डिटेल्स वगैरह होगा सारा कुछ। तो भाई चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम लोग इसी तरह का वीडियो जैसे डालें आप लोग के पास पहुँच जाए। हम लोग मिलेंगे शाहिद भैया से जो आज हम लोग को सारी जानकारी देंगे। कैसे बढ़िया हो सर? शाहिद भैया से आप लोग मिल चुके होंगे क्योंकि हम लोग को पोदार मोटर में यही बताते हैं जी। तो भैया क्या स्टॉक लेके आ गए हैं आज वो? आज हम लोग ब्लोरो और स्कॉर्पियो का, ब्लोरो का अलग वीडियो बनेगी, स्कॉर्पियो की अलग। तो भाई देख लो एक बार कलेक्शन देखो भाई, इतनी सारे स्कॉर्पियो आपको दिख रही है इस साइड में, उस साइड में देख लो ब्लोरो ही लगा हुआ है। मतलब कितना स्टॉक होगा भैया? स्टॉक हमारे पास स्कॉर्पियो में 10 होगा, ब्लोरो में 12-15 होगा, बहुत सारी गाड़ियां। तो भैया अभी हम लोग है कहाँ? हम लोग है, हाँ मैं बतला देता हूँ, हम कोकर रांची कोकर चौक से काटा टोले के तरफ 50 मीटर बढ़ेंगे, जैसे बढ़ेंगे तो हमारा ये रियल वैल्यू का शोरूम दिखेगा पोदार मोटर्स की, ठीक है, बड़ी सी शोरूम। तो ठीक है भैया, आज मतलब जो भी गाड़ी हम लोग दिखाने वाले हैं सारे एकदम एक नंबर गाड़ी, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए भैया बहुत ज्यादा लेट नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं, कहाँ शुरू करेंगे हम लोग? ब्लोरो से स्टार्ट करते हैं भाई, आज ब्लोरो से स्टार्ट करने वाले हैं, रेडी। तो चलिए भैया पहली गाड़ी हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब बोलते हैं ना ब्लोरो 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 एंड स्कॉर्पियो का बादशाह, आप यही लिखते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। तो आज हम लोग पहली गाड़ी हम लोग ब्लोरो से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप देख आपके व्यूअर्स देख सकते हैं, ये JS01CN ओके 5798 रांची नंबर से ब्लोरो पावर प्लस SLX है, पावर प्लस SLX ठीक है, फर्स्ट ओनर से गाड़ी है, गाड़ी आप दिखला सकते हैं ओरिजिनल पेंट में है, गाड़ी की रनिंग गाड़ी की कंडीशन देखिए बहुत ही अच्छी है, गाड़ी देखिए इसमें आपको पावर विंडो पावर स्टेयरिंग AC म्यूजिक सिस्टम सभी कुछ मिलता है, चार्जिंग वगैरह का सबका ठीक है, ठीक है। और सीट वगैरह का क्वालिटी दिखला दीजिए, मैं इस गाड़ी का आपको इंजन भी दिखलाता हूँ, इंटीरियर भाई सॉरी इंजन इंजन आप लोग देख लीजिए क्योंकि इंजन हमेशा डिमांड करते और भाई देख देख क्या कुछ बिल्कुल फ्रेश है ना, एकदम फ्रेश है भाई, मतलब देख लो कि ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि कोई तरह से खर्च वगैरह है, मतलब पूरा फ्रेश कंडीशन में, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, फर्स्ट ऑनर से गाड़ी है, इसके बाद डिटेल में शॉर्ट में बता दूं तो फर्स्ट ऑनर से रांची नंबर है, 72,000 चला हुआ है, और गाड़ी के पेंट वगैरह सब कुछ ओरिजिनल है। आस्किंग क्या रखी है? आस्किंग है 735 की है, 735 थोड़ा बहुत हो जाएगा, मान सम्मान हमेशा आपका भाई, मान सम्मान हमेशा करते और हमेशा रहेगा। चलिए तो भाई अगली गाड़ी हम लोग गोड्डा नंबर दिखा रहे हैं भैया, JS17 क्या डिटेल्स होगी भैया? डिटेल ये गाड़ी जो है SLE है ओके, और फर्स्ट ऑनर से गाड़ी है, गाड़ी का रनिंग वही 65,000 के अप्रॉक्स में चला हुआ है ओके, और टायर वगैरह का कंडीशन आप दिखा सकते हैं बहुत ही वेल एंड गुड कंडीशन में है, बाकी इंटीरियर वगैरह भी आप दिखाएं तो ये थोड़ा सा ख़राब है भैया, ये क्या लग जाएगा या फिर ऐसे ही हो जाएगा? तो भाई देख लो इंटीरियर वगैरह क्या कुछ मिलता है भैया इंटीरियर में, थोड़ा इंटीरियर में आपको पावर ये मिल जाएगा, आपको AC मिल जाएगा, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, चार्जिंग मिल जाएगा, पावर विंडो मिल जाएगा, इसमें मैनुअल होता है, ठीक है भैया। आस्किंग क्या रखी गई है भैया? आस्किंग इसका 5,65,000 5,65,000 मतलब थोड़ा बहुत हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए भैया अगली गाड़ी हम लोग जो भाइयों को जो सबसे ज्यादा डिमांड होती है ब्लोरो डीआई, मतलब ज्यादातर भाड़ा वगैरह हमसे बहुत ज्यादा चलती है,
और डिमांड भी कस्टमर का डिमांड डीआई में ज़्यादा है। बोलेरो में बहुत सारे वेरिएंट आते हैं लेकिन डीआई का डिमांड आज भी है। तो चलिए भैया हम लोग कहाँ नंबर दिखा रहे हैं? ये रांची नंबर है, ठीक है। पीछे नंबर लिखा हुआ, सामने से हटा दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑनर से गाड़ी है और 2017 की मॉडल है। ओके, रनिंग की बात करें तो 85,000 के अप्रॉक्स में चला हुआ है ये गाड़ी, और गाड़ी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम, एसी वगैरह सब कुछ मिलेगा। ओके, मतलब ये तो भैया कितना सीटर गाड़ी बनाया गया? ये आपको 9 सीटर लगेगा भाई। तो 9 सीटर बना दिया गया है, मतलब आप देख लो डीआई ऐसे भी लोग ज्यादा बैठते हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा कमर्शियल में ज्यादा चलती है ना भैया जी। ठीक है भैया, आस्किंग बताइए क्या आस्किंग इसका? 5,45,000 हो जाएगी भाइयों के लिए। मान सम्मान हम बोल दिया आपको भाई, मान सम्मान हमेशा किया जाएगा। और अगली गाड़ी की बात करते हैं ना भाई, व्हाइट कलर, सॉरी बोलेरो, पावर प्लस जेड एल एक्स है। पावर प्लस जेड एल एक्स और नंबर देख लो भाई, 02-2012। मतलब रांची के बाद जो सबसे ज्यादा कमेंट होती है हजारीबाग नंबर, और हजारीबाग नंबर कौन सी है भैया? ये पावर प्लस जेड एल एक्स है, 2020 की है। ओके, फर्स्ट ऑनर से गाड़ी है, 51,000 चला हुआ है गाड़ी। गाड़ी के कंडीशन, पेंट ओरिजिनल है, सब कुछ आपको इसमें फीचर्स मिल जाएगी, सारे रनिंग कंडीशन में, सारा रनिंग कंडीशन में, ठीक है। मतलब कोई तरह से खर्च वगैरह नहीं गाड़ी में, किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं है। तो भाई एमहॉक इंजन आती है, बाकी देख लो सारा कुछ है। इंटीरियर में थोड़ा बताइए, पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, एसी, म्यूजिक, चार्जिंग सिस्टम, सभी कुछ। बाकी देख लो भाई सीट वगैरह कंडीशन, आप लोग बोलते हो खराब, मतलब अच्छी कंडीशन में, आप यहाँ आओगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी देख लो रूफ रेलिंग वगैरह भी आपको ठीक ठाक कंडीशन में मिल जाएगा। मतलब इसमें भी भैया कोई तरह से पेंट जॉब नहीं, किसी भी तरह का नहीं है। 2020 की है सर, 2020 की है, गजब। आस्किंग क्या रखी गई? 765। मतलब इसमें तो भैया इंश्योरेंस भी होगी 5 साल के लिए? 5 साल के लिए नहीं है, अभी इसमें इंश्योरेंस वैलिड है। वैलिड है, वैलिड है, गजब। 20 की गाड़ी है भाई, तो जिन किन्नी भाइयों को चाहिएगा भाई आइए लेके जाइए। कीमत एक बार फिर से बताइए, 7,65,000। 7,65, बिल्कुल। तो भाई 7,65 में लेके जाइए। चलिए अगली गाड़ी हम लोग SUV दिखलाते हैं, ये भी दिखा देते हैं महिंद्रा की SUV, क्योंकि हम लोग सारे महिंद्रा का, सिर्फ महिंद्रा की गाड़ी हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए भैया डिटेल्स क्या होगी इसके? ये है 2013 की W8, रांची नंबर से ये गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर से गाड़ी है। रनिंग की बात करें तो 78,000 चला हुआ है। ओके, और इसका टायर वगैरह में देख सकते हैं, टायर बहुत ही अच्छी कंडीशन में। किलोमीटर वगैरह क्या? 78,000 है, 7 ओरिजिनल है भैया। क्या कुछ मिलता है भैया इंटीरियर में? इसमें पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, म्यूजिक सिस्टम, चार्जिंग, सब कुछ मिलता है, सारा कुछ मिलता है। सारा रनिंग में, सारा रनिंग में है, कोई तरह से खर्च वगैरह नहीं? ओरिजिनल का, ओरिजिनल। नंबर कहाँ की मिलेगी भैया? रांची नंबर, रांची। आस्किंग क्या रखी गई? 6,35,000। 6,35,000, तो भाई 6,35,000 में W8 लेके जाइए। चलिए अब हम लोग दिखा रहे हैं फिर से बोलेरो। बोलेरो मतलब बोलते हैं ना भाई, इतना स्टॉक होगा क्या भैया किसी के पास? नहीं, इतना स्टॉक नहीं। इधर भी दिखना है आप, इधर भी, मतलब ये स्कॉर्पियो का अलग आने वाली है, बोलेरो का अलग आने वाली है भाई। तो इतना स्टॉक कहीं आपको मिलने वाली नहीं है। अगली गाड़ी 11 कहाँ की नंबर होती है? 11 ग्रीडी। ग्रीडी, गजब। तो भाई हम लोग हर लगभग डिस्ट्रिक्ट का गाड़ी दिखा रहे लगभग। ये कौन सी है भैया? ये पावर सॉरी ये ZLX है, 2014 का मॉडल है। ओके, फर्स्ट ऑनर से है, 72,000 चला हुआ है गाड़ी। इसमें ZLX है तो टॉप मॉडल आती है गाड़ी ये। ओके, तो इसमें सारा रनिंग कंडीशन में है और ओरिजिनल कलर से अभी भी है जैसा कि देख सकते हैं। बाकी कोई तरह से खर्च, किसी भी तरह का खर्च, हमने जितना भी गाड़ी देखा है भैया कोई खर्च नहीं है। कस्टमर आए, टेस्ट ड्राइव ले, किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम होता है मुझे बताया, मेरे से होगा, मैं जरूर वो करूंगा। चलिए भाई तो उस चीज को बताइएगा। चलिए हम लोग इंटीरियर भी देख लेते हैं, तो इंटीरियर देख लीजिए भाई, और उससे पहले आप यहां से देख लो ZLX, ये सबसे टॉप होती है ना? हां, ZLX सबसे टॉप होती है। बाकी देख लो भाई अंदर इंटीरियर देख लो, एकदम फ्रेश कंडीशन में, मेट वगैरह सारा कुछ लगा हुआ, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग वगैरह सारा कुछ होता है ना भैया इसमें जी। तो भाई इस तरह का है, बाकी स्टेपनी वगैरह भी तो मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो भाई स्टेपनी भी देखिए, बिल्कुल नया है, स्टेपनी से लेके गार्ड वगैरह सारा कुछ मिलेगा, न्यू कंडीशन में आपको रखा गया है स्टेपनी। बाकी भैया कोई तरह से गाड़ी में खर्च वगैरह? खर्च किसी भी तरह का कोई भी गाड़ी में हमारा नहीं है। आस्किंग क्या रखी गई है इसका? है 5,45,000। 5,45, तो भाई 5,45 में ले जाए। इंश्योरेंस होगी भैया इसमें? नहीं, इसमें लैब से इसमें करवाया जाएगा। तो वो क्या आप करवा? नहीं, पार्टी पे करेगी, पार्टी पे करेगी। चलिए अगली गाड़ी बढ़ते हैं हम लोग के पास, पावर प्लस ZLX। एक ZLX दिखलाए आपको, ये पावर प्लस ZLX दिखला रहे हैं। ये कहाँ की नंबर है? 13 चतरा की नंबर होती है। ओके, फर्स्ट ऑनर से गाड़ी है ये, 2017 मॉडल है। ओके, आप पावर प्लस ZLX है, इसका आप टायर वगैरह दिखलाए, कलर दिखलाए, सब कुछ ओरिजिनल है। इंटीरियर में दिखलाए अपने व्यूअर्स को। इसमें आपको पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, म्यूजिक, सब कुछ मिलती है। गाड़ी की कंडीशन वेल एंड गुड है।
बाकी देख लो भाई एक नंबर गाड़ी है, बाकी स्टेपनी वगैरह भी मिलेगा, पीछे भी आप देख लो, ये भी ZLX है ना भाई? जी पावर प्लस ZLX। अच्छा ये पावर प्लस ZLX मतलब और भी फीचर है इसमें? बिल्कुल और भी फीचर। देखिए इस पे कलर वगैरह ओरिजिनल है, टायर भी देखिए बिल्कुल न्यू है। किलोमीटर वगैरह? किलोमीटर इसका चलाओ भाई आपका 71,000। 71 ओरिजिनल? ओरिजिनल। कोई तरह से खर्च भी? किसी भी तरह का 2 रुपए का खर्च नहीं है। पक्का? पक्का। गारंटी इसी साथ का? आइए टेस्ट ड्राइव लीजिए। तो भाई जो भी गाड़ी आप लोग लेते हैं सबसे पहले टेस्ट ड्राइव वगैरह कीजिए, सारा कुछ कीजिए, क्योंकि हम लोग सेकंड हैंड गाड़ी ये लोग भैया लोग भी कहीं और से मंगवाते हैं जी। तो भाई टेस्ट ड्राइव लीजिएगा, उसके बाद जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम कैसे बेच पाएंगे? मतलब पूरा एकदम चेक कर लीजिए उसके बाद। बिल्कुल चेक करिए, यहाँ तक आप अपने मैकेनिक लेके आइए, चेक करवाइए, उसके बाद लेके जाइए। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि भैया ने सारी गाड़ियों की डिटेल बहुत अच्छे से बताया। अब हम लोग जान लेते हैं भैया, जितने भी हम लोग गाड़ी दिख रहे हैं कोई तरह से एक्सीडेंटल, पहले बताइए भैया। हम लोग पोद्दार मोटर सीरियल वैल्यू नॉन एक्सीडेंटल कार बेचती है, ठीक है? ये हम लोग कई वीडियो में बताएं, कई वीडियो में बताएं, फिर भी न्यू व्यूअर्स जो है आपके वो जान जाइए बात। और किसी भी तरह का गाड़ी में खास नहीं, अगर आपको लगता है गाड़ी आइए पहले टेस्ट ड्राइव लीजिए, सबसे पहले गाड़ी खुद से चलाइए। अगर आपको किसी भी तरह का मन में शंका है तो गाड़ी को अपने मैकेनिक से चेक करवा लीजिए, जब तक आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम लोग गाड़ी कैसे बेच देंगे या आप गाड़ी कैसे लेंगे? बिल्कुल। तो भाई इस चीज का खास ख्याल रखें, जहां चेक कराना चेक कराइए। हम लोग सेटिस्फाइड कार बेचते हैं, इंस्पेक्शन किया हुआ कार बेचते हैं, ये 100% सी। तो चलिए भैया अब जान लेते हैं इंश्योरेंस की। तो हाँ, इंश्योरेंस और नाम ट्रांसफर की जहाँ तक की बात है वो पार्टी पे करती है, बाकी का जो मैं अभी जितना का रेट बतला रहा हूँ वो गाड़ी का प्राइस बतला रहा हूँ, व्हीकल कॉस्ट। ओके, प्लस जो एडिशनल में लगेगा वो नाम ट्रांसफर प्लस इंश्योरेंस है। बाकी जो भी गाड़ी हम लोग दिखा रहे हैं भैया फाइनेंस कहाँ कहाँ करा? फाइनेंस हम लोग बहुत सारी कंपनी से, हमारा टाइप है चोला से है, महिंद्रा से है, ICICI से है, इंडसइंड से है, श्रीराम से है ना, बहुत सारा है। तो भैया कौन कौन है झारखंड के अलावा भी कहीं? झारखंड के अलावा बिहार के 3-4 डिस्ट्रिक्ट में अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किया है, बिहार में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, वहाँ से भी होता है। तो चलिए भाई वीडियो करते हैं समाप्त। बिल्कुल। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है भाई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ इसी तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो प्लीज़ भाई एक सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आइए हम लोग हमेशा नए अपडेट आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो चलिए जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।